हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सब से राज की बात नहीं करनी चाहिए। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान कहते हैं हुज़ूर राज की बातें बताते हैं। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हज़रत हुज़ाफ़ा ने जनाजा पढ़ा है तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े। तिर्मिज़ी में है फरमाया उस्मान से जो बुग्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अयाम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया। कहते कुर्बान जाऊं दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया। मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूं। तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे तू उमर को जानता है, उमर झूठ नहीं बोलता, तू जानता है उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया हुजूर, पहेलियाँ ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताएं किधर आए हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूँ, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुतिया, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पीछा रह गया दूर। अब ना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं। हज़रत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं। पर हुज़ाफ़ा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं। सच बताओ उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हज़रत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने ज़रूर सुना।